एलके अडवाणी इज एड्रेसिंग पार्टी वर्कर्स इन दिल्ली. लेट्स लिसन इन टू व्हाट ही हैज टू से. स्थापना दिवस का उल्लेख करते हुए पूर्व के दोनों तीनों वक्ताओं ने जिक्र किया कि हमारी राजनीतिक यात्रा 1980 में शुरू नहीं हुई. 80 में भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ, लेकिन हमारी राजनीतिक यात्रा 1951 में शुरू हुई, जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने संविधान के बन जाने के बाद 1950 में ये निर्णय किया कि मैं अब तक संविधान के निर्माण के लिए गांधी जी के सुझाव पर पंडित नेहरू के मंत्रिमंडल का हिस्सा बनकर के कार्य करता रहा, देश की सेवा करता रहा. अब मैं मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे रहा हूं और भारत को जो हमारे संविधान निर्माताओं ने एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी करके घोषित किया और निर्णय किया कि हमारी राज्य व्यवस्था संसदीय लोकतंत्र की होगी, उस संसदीय लोकतंत्र को पुष्ट करने के लिए मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी या समाजवादी पार्टी, जो उस समय पार्टियां थी, यह सही मार्ग पर नहीं चल रही. और मैं ऐसी पार्टी निर्माण करना चाहता हूं जो कि भारत की संस्कृति और मर्यादा से प्रेरणा प्राप्त करके देश को आगे बढ़ाए. डॉक्टर मुखर्जी ने जब ये बात कही तब उनका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी कुछ लोगों से संपर्क था, जो उनको प्रेरित करते रहते थे कि आपको, आप इस समय हिंदू महासभा में हैं, लेकिन अगर हिंदू महासभा से मुक्त होकर के और ऐसी पार्टी बनाएं कि जिसमें केवल हिंदुओं के लिए स्थान न हो, सबके लिए स्थान हो, और फिर आप संसदीय लोकतंत्र को आगे बढ़ाएं. कांग्रेस की जो दोषपूर्ण नीतियां हैं कश्मीर के संदर्भ में, पूर्वी बंगाल के संदर्भ में, और जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं, उनसे मुकाबला तब होगा जब भारत की कोई पार्टी यहां की संस्कृति और यहां की धरती से प्रेरणा प्राप्त करके उनके लिए संघर्ष करेगी. आज के इस अवसर पर मैं आपको आज की राजनीति के बारे में बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, थोड़ा बहुत कहना होगा आखिर में कहूंगा, पत्रकारों की दिलचस्पी उसमें होती है. लेकिन मैं मानता हूं कि पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए कार्यकर्ताओं को समझना चाहिए कि यह कोई साधारण पॉलिटिकल पार्टी नहीं है. मैं मानता हूं कि भारतीय जनसंघ हो, जो कि 1951 में जिसका जन्म हुआ, या भारतीय जनता पार्टी हो जिसकी स्थापना दिवस को आज हम यहां पर मना रहे हैं, यह दोनों ही दल केवल मात्र राजनीतिक दल नहीं है, ये एक सांस्कृतिक अभियान के हिस्से हैं. दे आर आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स, आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट्स ऑफ अ कल्चरल मूवमेंट इन इंडियन हिस्ट्री. मैं तुलना करता हूं कभी कभी भारतीय जनता पार्टी की या भारतीय जनसंघ की 19वीं शताब्दी के दो सांस्कृतिक अभियानों से. एक अभियान था जिसका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ, श्री रामकृष्ण मिशन का. श्री रामकृष्ण परमहंस ने एक अभियान शुरू किया
कि जिसके प्रमुख अनुयायी स्वामी विवेकानंद जी बने। संयोग से आज देश वह स्वामी विवेकानंद जी की 150वीं वर्षगांठ मना रहा है। और आज मैं जब उसका उल्लेख करता हूं तो मुझे स्मरण है कि थोड़े ही दिन पहले नए राष्ट्रपति ने मुझे बुलाया था और मुझे कहा था कि आप आइए परिवार के साथ, मेरे परिवार के साथ बैठ करके हम साथ साथ भोजन करते हैं। और मैं गया था और उस समय मैंने उन्हें कहा कि यह स्वामी विवेकानंद जी की 150वीं वर्षगांठ है, कितना अच्छा होगा कि आप देश के राष्ट्रपति के नाते इसको स्मरण करें कि विश्व भर में अगर भारत का नाम सबसे पहले किसी ने ऊंचा किया और सारे दुनिया में लोग प्रशंसा करने लगे कि यह सन्यासी, यह तो कमाल है कि जो पहले तो लोग संकोच करते थे कि उनको कोई वहां पर आने भी देगा कि नहीं आने देगा, लेकिन आने के बाद उन्होंने ऐसी धाक जमाई भारत की, भारत के तत्व ज्ञान की, भारत के आध्यात्म की, के वहां पर बहुत सारे ईसाई पादरी कहने लगे कि हम भारत में इतने पादरी भेजते हैं कन्वर्शन के लिए कि उनको जाकर के ईसा मसीह का ज्ञान दो और उनको जाकर के सही मार्ग पर लाओ। लेकिन जिस देश का आध्यात्म इतना महान है जैसा विवेकानंद जी से सुनकर के हमको लगा, वहां पर हम क्यों भेजते? भेजने की कोई जरूरत नहीं है मिशनरीज को। ये टिप्पणियां बहुत सारे ईसाई पादरियों ने की। तो मैंने राष्ट्रपति जी को कहा, मैंने कहा कितना अच्छा हो कि वो शिकागो में जिन्होंने ऐसी धाक जमाई भारत की, उसका स्मरण करते हुए आप राष्ट्रपति ओबामा को कहें कि कितना अच्छा होगा कि इस 150वीं वर्षगांठ पर अगर भारत और अमेरिका मिलकर के कोई उत्सव शिकागो में आयोजित करें। मैंने कहा कि आप हमारे प्रणब मुखर्जी देश के राष्ट्रपति और उनके ओबामा जी, ये दोनों मिलकर के अगर शिकागो में एक बढ़िया कार्यक्रम करें और जिसमें भारत और अमेरिका की मित्रता का भी उल्लेख हो, हमारे बीच में कितनी कितनी जोड़ने वाली चीजें हैं उनका भी उल्लेख हो, लेकिन स्मरण करें विवेकानंद जी का। मैंने कहा बहुत अच्छा होगा, बढ़िया होगा। उन्होंने कहा विचार आपका अच्छा है, मैं परसों करूंगा। मैं इस बात का उल्लेख इसलिए करता हूं कि हमको समझना चाहिए कि विवेकानंद जी केवल मात्र हिंदू धर्म के बारे में, वेदांत के बारे में, सब रास्ते भगवान की ओर ले जाते हैं। इसीलिए धार्मिक मतभेद होने के बावजूद भी भारत में एकता है।